जो भी चाहिए Z5 ऐप पर, बस Z5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए कभी भी कहीं भी। देखिए मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ निदान जी, आप शर्मिंदा कर रहे हैं हमें, प्लीज। ये तो मेरी अम्मा की रखी हुई शर्त है और हमारी अम्मा की शर्त के खिलाफ जाना ये नहीं हो पाएगा। एक तरफ तेरा कन्यादान और दूसरी तरफ उस पूर्वा की घर वापसी। पूर्वा घर छोड़ के कहीं नहीं जाएगी। तीन शर्तें जो आप मानेंगे। पहली शर्त कि पूर्वा की नौकरी में आप बिल्कुल दखलअंदाजी नहीं करेंगे। दूसरी शर्त कि इस बार आप पूरे परिवार के साथ महाशिवरात्रि मनाएंगे और मां और पूर्वा के साथ तमीज से पेश आएंगे। और मेरी तीसरी और आखिरी शर्त कि आप आज के बाद मुझे गुदड़ी लाल नहीं वेदांत कह के बुलाएंगे। इत्र इत्र सा मेरे सांसों में बिखर जा, मैं फकीर तेरे कुर्बत का, तुझसे तू मांगू दे, तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा, जिस ओर तेरी शहनाई उस ओर मैं भागू। तुम्हारी पसंद पे ना मुझे वैसे भी भरोसा नहीं है। क्या करते हैं आप? अरे किसी का घर वीर खाली कराने का आएगा ना तो अपुन को बोलने का, लड़की को मस्त तैयार करके रखने का, अपुन कल ही सब फुल टू फाइनल करने वाले। आपको सगाई की बहुत बहुत बधाई। लड़की कहाँ से है? कोई देशमुख परिवार करके, ये देखिए। राहुल इंटरनेशनल नंबर से? उसका पुराना नंबर तो शादी के दिन से बंद था। अब अरे तो पता करो दी, उनसे मिलकर आओ, हो सकता है राहुल की कोई मजबूरी हो। क्या आप अपने पहले प्यार को यूं ही जाने दोगे? मैंने जो किया उसकी सजा मिल रही है, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। प्लीज तुम और सजा मत दो, बस एक बार मुझसे जीवन रेखा हॉस्पिटल में आके मिलो। राहुल, वेदांत को पता है राहुल के बारे में? क्यों छुपाया कि राहुल यही उनके हॉस्पिटल में एडमिटेड? वरमाला पहनाओ पूर्वा को। पूर्वा कहाँ है? लो आ गए भाई और भाभी। अरे राधिका बेटा वरमाला उठा, देख भैया भाभी आ गए। राधिका रुक। अरे दरअसल बात यह है, वेदांत बस तब सफाई देना जब मैं तुझसे पूछूं। और तू पूर्वा, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी, घर की इज्जत मिट्टी में मिलाने चली थी। I'm sorry बाबूजी, मैं नहीं चाहता था, पर अब आपने कोई रास्ता नहीं छोड़ा सिवाय सबको सच बताने का। अगर मेरे खिलाफ एक शब्द भी बोला तो दादी, गोमती बुआ का रिश्ता जो बाबूजी की मर्जी से हुआ था, दरअसल वो प्रीतम और उसकी मां दोनों ठग थे। अमीर घर की लड़कियों को बहला फुसला के उन्हें लूटते थे। वेदांत तुझे कैसे पता चला? दादी शक तो मुझे उसी दिन हो गया था जिस दिन उन्होंने पूर्वा को घर से बाहर निकालने की शर्त रखी। और दादी फिर आपने मुझसे कहा कि मैं जाके पूर्वा को रोकूं, तो मैं प्रीतम जी से मिलने गया और सारा सच सामने आ गया। अगर तुम्हारी नजर सिर्फ पैसों पे थी तो फिर ये शर्त क्यों रखी? इनके कहने पर लेकिन बाबूजी की आंखों में नफरत की ऐसी पट्टी बंधी हुई थी कि उन्हें बुआ की भलाई नजर ही नहीं आ रही थी। उन्हें नजर आ रहा था तो बस एक ही रास्ता, पूर्वा को घर से बाहर निकालने का। यानी वेदांत और पूर्वा की वजह से गोमती की जिंदगी बर्बाद होते होते बच गई। देख गोमती बिल्कुल झूठ। बस भैया, भगवान के बाद अगर मैंने किसी पे भरोसा किया तो वो
आप हैं। आपने अपने निजी स्वार्थ के लिए अपनी बहन के साथ। गोमती मेरी बात, मैंने किया है सब। मैंने इस लड़की को मैसेज किया है झूठा, लेकिन वो सब इस घर की भलाई के लिए, इस लड़की का चरित्र सबके सामने लाने के लिए। उस दिन सुना नहीं आपने, अपना पहला प्यार भुलाए नहीं भूल पा रही। शादी की रात दुल्हन के जोड़े में हो गई फरार, और आज बिना वरमाला डाले चली गई उससे मिलने के लिए। आप सब बोलिए कि ऐसी लड़की त्रिपाठी परिवार की बहू कहलाने के लायक है क्या? और रमेश, तू मेरा अपना बेटा, मेरा अपना खून, ये बात स्वीकार करने में मुझे आज शर्म आ रही है। काफी टाइम से बोलना चाहता था, कल रात कोशिश भी की तुम्हें बताने की, पर वेदांत का मैसेज। तेरा फोन कहाँ है? पता नहीं, ती तो आपसे प्यार करती ही नहीं है। मैं आपसे प्यार करती हूँ। ठीक है, देखने से पहले ये मैसेज डिलीट कर देती हूँ। पंखुड़ी, घर में घुस चुके इस दुश्मन के असली चेहरे का कैसे होगा खुलासा वेदिका के सामने, और क्या तोड़ निकालेगी वेदिका इस दुश्मन से अपने पति को बचाने का। घुंगरू, कमली को बुलाओ। और कौन सा राज है जो साथ लेकर आया है ये नया दुश्मन, देखना ना भूले आपके आ जाने से। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा मैं कल, देखिए। बोलो, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी, क्या करने जा रहे थे तुम? हाँ बोलो, पर बोलो। बस सिद्धी जी, अब हमें सब कुछ सच सच बता दीजिए, क्या हुआ था उस कमरे में। सिद्धी का जवाब क्या असर करेगा अक्षत और गुड्डन के बिखरे हुए रिश्ते पर? हदीस और कुरान की मालूमात जितनी आपको है उतनी हमें भी है। इस्लाम की हर बात दुनियावी नजर से देखने की समझने की कोशिश की। क्या है जनाब ये दुनियावी नजर? क्या आपको नहीं लगता आदमियों के फेवर में ये तमाम मसलों का पलड़ा भारी? अगर यही कानून हमारे ख्वातीन को लिखने को मिलते तो बात ही अलग। बात वही है, क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म है, औरतों की जगह घर पर है, यही सबसे बेहतर है। या अल्लाह, क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस कट्टर सोच के साथ हमारी कौम को वो और पीछे कर देंगे? मैंने उसे पैसे दे दिए। क्या तुम्हें पैसे देगी? उसके बाद तुम मुझसे मिलोगे। मैं तुम्हें और पैसे दूंगा। फिर तुम डील के मुताबिक कियारा को डायरेक्टली मुझे हैंडओवर करोगे, ठीक है? यस मिस्टर सिंह। आज रात के लिए लंदन की दो टिकटें चाहिए, मिस्टर सिंह एंड कियारा से। मैं निकाल लेती हूँ, फट जाएगा। नहीं फटा, मैंने कहा था ना। थैंक यू, मुझे लगा कि फट जाएगा। मैं कभी आपके दुपट्टे पे हाथ नहीं आने दूंगा। इसका मतलब आप अब से मेरे दुपट्टे संभालेंगे? मैं तो आपको भी संभालना चाहता हूँ। अरे आइए ना साहब, आरती कीजिए ना। बदले में भगवान अपने प्रसाद के रूप में चेकबुक से पैसे निकलवा कर देंगे।
काली पूजा के अवसर पर कुचकी चाहती है अपने ससुराल में शान की पत्नी का दर्जा। जिस बदनाम गलियों की मिट्टी से काली माँ की मूर्ति बनती है, उस आंगन की लड़की बड़े घर की बहू नहीं बन सकती। क्यों किया इनकार शान ने कुचकी को अपनी पत्नी मानने से, उठेगा इस राज पर से पर्दा। 2 घंटे के स्पेशल एपिसोड में इस शनिवार शाम 7 से 9 बजे सिर्फ ZTV पर।